अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होगी। मुझसे मिलिए, मैं हूँ सोनिया साले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी फ्रेंड, जो आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो भी एक कम्प्लेक्शन के हवाले से। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी वो बेसिकली हमारी बहुत ज़्यादा डलनेस की जो पर हमारी डल स्किन हो जाती है, हमारी रिंकल्स पड़ जाते हैं, हमारी आइज के नीचे खड्डे पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, इनका सबका प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो जो क्रीम थी उसके लिए बेस्ट 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 थी। आज जो मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है, आप समझे, क्लिंजर। ठीक है, ये आपके लिए क्लिंजर का जो है वो आपको यूजेज देगी। अब करना क्या है, थोड़ा सा काम करना है आपने, उसी तरह से करना है जिस तरह से आपको मैं बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक प्रूफ के साथ जो है ये प्रैक्टिकल जो है वो रेमेडी है, ज़बरदस्त। और जो है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कह के इसके और दोबारा जो है वो बनवाई भी है और उन्होंने रिज़ल्ट जो शेयर किए हैं उन्होंने कहा बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। बाकी जो एक मेहंदी से रिलेटेड थी उन्होंने भी बहुत अच्छा सा फीडबैक दिया था मुझे उस वीडियो के हवाले से। चले जी, ये बातें तो होती रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाएंगी। पहले आप रेमेडी देख लें कि आपने करना क्या है, अपने अपने चेहरे को निखारना कैसे है, आपने पार्लर जाने से बचना कैसे है, घर पे आप कर क्या सकते हैं, तो फिर जो है मैं आपके साथ बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसूर की दाल। यहाँ पे मैंने मसूर की दाल तकरीबन 2.5 चम्मच लिए हैं। आपने भी उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो स्मेल आना शुरू हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये स्टोर नहीं रह सकती। इसके अंदर मैंने जो है नीम गर्म पानी ऐड किया था, लेकिन मैंने इसको जो है रात को ही भगो के रख दिया था ताकि सारी रात जो है इसमें इसकी जो इंग्रेडिएंट्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती है दाल की वो पानी के अंदर जो है वो मौजूद हो जाए, मिक्स हो जाए। सारी रात भगोने के बाद दाल कुछ इस तरह की थी। तो अब हम इसको जो है रेडी करेंगे। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है इस मिक्सर बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मसाला बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैंने ये दाल जो है थोड़े से पानी के साथ जो है वो इसमें ऐड कर दी है ताकि मैं इसको जो है अच्छी तरह से पीस सकूँ। जी तो फ्रेंड्स, इसके साथ जो है मैंने अच्छी तरह से इसको जो दाल को मैंने मिक्स कर लिया था इस थोड़े से पानी के साथ। पानी भी आपने इसका अपना ही लेना है। अगर आपके सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर डाल जाए तो कोई बात नहीं, आप वो जो पानी है वो वेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसको बनाने के बाद, इसको ब्लेंड करने के बाद एक कोई सा भी स्ट्रेनर ले लो आप। उसके बाद जहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर लिया है, इसको मैंने स्टेन कर लिया है इस स्ट्रेनर के साथ। इसका जो पानी है वो आपका अलहदा हो जाएगा और जो आपका ऊपर जो दाल है जो ग्राइंड हमें मिली है ये मिक्सचर जो है अलहदा हो जाएगा। अब आपने इसको मिक्स करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से जो है पानी इसका अलहदा कर लें, लेकिन पानी जो है इसका फेंकना नहीं है, हमें पानी की भी जो है उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। ये मैंने इस जो इसका मिक्सचर है दाल का वो अलहदा कर दिया, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बन गया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रबिंग फॉर्म में रखा है और साथ में मैंने इसका जो पानी था जो बचा था इसको मैंने अलहदा कर लिया है। इसका भी आगे जाके जो मैं आप बनाना है मैं आपको बताती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे विटामिन सी का कैप्सूल लिया है, इसके अंदर मैं विटामिन सी का कैप्सूल जो है ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो। ये वाइटनिंग का उस सूरत में काम देगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे, नहीं तो ये अगर आप नहीं भी चाहें तो ये क्लिंजर का काम तो आपको देगा ही देगा। यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल ली है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है। अगर आप एलोवेरा जेल ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डालोगे तो आपका ये जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो आ जाएगा बिकॉज ऑफ एलोवेरा। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ली है, आप कोई सी भी अच्छी कंपनी की जो ग्लिसरीन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो ग्लिसरीन यूज़ की है और ग्लिसरीन यूज़ करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया है ताकि तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो एक जैसी हो जाएं। एक जैसी होने के बाद, मिक्स करने के बाद आपको इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है। उसके बाद जो है आपको इसको किसी जार में, जो जार है ग्लास का जार होना चाहिए, आपने इसको ग्लास के जार में स्टोर करके रखना है। और यस, मैं बता दूं यहाँ पे लास्ट में जो है वो आपने हल्दी का भी यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने चुटकी हल्दी लेनी है और चुटकी हल्दी जो है इसके अंदर मिक्स कर देनी है और आपने इसको मिक्स करने के बाद किसी ग्लास जार में ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने इसको फ्रिज में 1 हफ्ते तक के अंदर अंदर इस्तेमाल कर देना है, लेकिन आपने इसको अभी फ्रिज में ही स्टोर करना है।
इसको मैंने जो है, ये मेरे पास इसकी जार था वो खाली हो गया था, इसलिए मैं ये जो मिक्सचर है जो मैं ये इसके अंदर जो है वो ऐड करने के बाद इसको जो है स्टोर कर लूँगी। ले जी, हमारी जो है क्रीम बिल्कुल तैयार है लगाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त, इतनी स्मूथली, और क्या ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है ये आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक हो गया फ्रेंड, ये तो हमारी होगी क्रीम रेडी। अब चलते हैं पानी की तरफ। अब हमने इस पानी में क्या करना है, जाहिर सी बात है अगर क्रीम इफेक्टिव है तो ये भी इफेक्टिव है। चले जी, इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 चम्मच। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने भी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और कोई भी आपके पास स्प्रे वाटर हो, बोतल यानी कि स्प्रे बॉटल जो होती है, स्प्रे बॉटल, उसके अंदर आपने इस लिक्विड को जो है वो ऐड जो है वो उसमें डाल देना है। लिक्विड इतना थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक रखेगा लिक्विड को जैसे आपको नज़र आ रहा है। मेरे पास ये एक बॉटल थी स्प्रे बॉटल, सीरम स्प्रे बॉटल, तो मैंने इसके ये जो लिक्विड है इसको जो है मैंने ऐड कर दिया था इस बॉटल के अंदर। अब आपने इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है, जब आप इसको यूज़ करेंगे मॉर्निंग में कर लें, इवनिंग में कर लें। बेसिकली ये सेफ्रन कम्प्लेक्शन बिल्डर क्रीम है, एक जेल फॉर्म में आती है, बहुत 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 ही ज़बरदस्त है। रिव्यू चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी फ्रेंड, इसको मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी, ये कुछ इस तरह की है, देखिए इस तरह की। ठीक है, अब इसको मैं आपको जो है वो अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये किस तरह की फॉर्म में आती है। इसको भी मैं आपको फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ, मैंने इतनी सी ली है और इसको मैं अपने फेस के ऊपर जो है अप्लाई करी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आप ओवरनाइट लगाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा है। बट अगर आप ओवरनाइट नहीं लगा के रख सकते तो इसको आपने तब तक लगे रह देना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती और आपको स्किन जो है वो टाइट सी फील नहीं हो जाती। ठीक है, इसको जब आपको फील स्किन जो है आपको टाइट सी फील होना शुरू होगी, फिर आपने सिंपल वाटर से बगैर कोई साबुन, बगैर कोई फेस वॉश इस्तेमाल किए, बगैर जो है आपने इसको वॉश कर लेना है। अब इससे क्या होगा, इससे जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो है आपकी डस्ट उतरेगी, इतनी ज़्यादा कि आप खुद देख के बोलोगे कि ये कितनी ज़्यादा जो है डस्ट है, मतलब मेरे फेस के ऊपर इतनी डस्ट आई कहाँ से, अभी तो मैंने फेस वॉश किया था, अभी तो मैंने सोप लगाया था, अभी तो मैंने स्क्रबिंग की थी। तो ये इतना अच्छा सा एक क्लेंजर के तौर पे काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेकअप बहुत ज़्यादा किया होता है सम टाइम और आपको कोई चीज़ सूझ ना रही हो, तो ये क्रीम उठाई उसके बाद अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके सारे मेकअप रिमूव कर लिया। और मैं यहाँ पे ये भी बताती जाऊँ कि आपने इसको तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं करना, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो ये क्रीम जो है वो ख़राब हो जाएगी और इसमें से स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ते से ज़्यादा कोशिश करें कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही क्रीम को जो है वो ख़त्म कर दें, उतनी ही बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अगर 2 लोग जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर जो है इस क्रीम की क्वांटिटी उतनी ही रखें जितनी मैंने आपको बताई है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है इसको, और ये जब ड्राई हो जाएगी तो ये सारा कुछ जो है वो ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसको मैंने अप्लाई कर ली है, आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद जो है सर्कुलर मोशन के साथ, हल्के से पानी के साथ, आपने इसको जैसे क्लिंजर हम इस्तेमाल करते हैं, आपने इसके तरीके के साथ आपने फेस को स्क्रब करना है। उसके बाद सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लेना है। आप खुद देखोगे, आप अपने हाथों के ऊपर अप्लाई करके देख लो, आप फुट के ऊपर अप्लाई करके देख लो, आप नेक के ऊपर अप्लाई करके देख लो, आपको वाकई ही यकीनन जो है वो रिजल्ट नज़र आएगा कि इसके साथ आपकी स्किन की जो डस्ट है कितनी ज़्यादा रिमूव होती है। ठीक है, जो लोग बड़ा परेशान है या जिन लोगों की शादी होने वाली है, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या मेल्स फ्रेंड्स जिसकी शादी होने वाली है, वो ये लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद जो है आप खुद देखेंगे कि आपको जो है पार्लर जाने की ज़रूरत जो है वो कम महसूस हो रही है, आपके स्किन के ऊपर ग्लोइंग स्किन हो गई आपकी और शाइन आना शुरू हो गई आपके फेस के ऊपर। हमारे पास तमाम चीज़ें जो हैं वो घर पर ऑलरेडी जो है वो मौजूद होती हैं, बस हमने थोड़ी सी एफर्ट करनी है और उसको बना के जो हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। थोड़ी सी एफर्ट अगर आपका इतना ज़्यादा का खर्चा बचा लेती है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपने इस कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं, मेरी बताई हुई है, किसी की भी बताई हुई, तो आपने उसको कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, तभी आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ चाहे वो आप मार्केट से परचेज करें,
चाहे आप वो खुद बनाए, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक क्रीम, कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ आपको एकदम से रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। उसके लिए आपको तकरीबन 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाता है 25 दिन के अंदर अंदर कि आपके फेस के ऊपर जो है चेंजिंग आना शुरू हो गई है। तो आपने घबराना नहीं स्टार्टिंग में, आपने इसको अप्लाई करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद चेंजिंग फील होगी कि आपके स्किन पे कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ रही है आपने जो अप्लाई किया है उसकी वजह से। ठीक हो गया, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग स्कूल जाते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं या बाहर किसी वजह से निकलते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि ये लाजमी जो क्रीम है अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। ये डस्ट रिमूव करती है, क्लेंजर के तौर पर काम करती है, आपके फेस के ऊपर ग्लोइंग लेके आती है, ऑयल रिमूव करती है और सबसे बड़े ब्राइटन अप करती है। ठीक हो गया, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है इसका रिजल्ट कैसे मिले। आई एम वेटिंग योर फीडबैक, ठीक है, और आपने लाजमी बताना है। ठीक हो गया जी, चलते हैं, बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।